नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक बिनुवाला में आपका फिर स्वागत है। और कल 10 जून को आपका एक एग्जाम होने वाला है जो कि है आपका कौन सा बीपीएससी 105। बिल्कुल आपने सही सुना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, यह है आपका बीपीएससी 105। बीपीएससी 105 का ये आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर है। इसका क्या है, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ दिसंबर 2022 का। पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, तो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उन क्वेश्चंस पर आप फोकस करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की खास बात ये होती है कि यहाँ पर वही क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट होके, तो रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल केवल हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का मतलब क्या होता है। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का मीनिंग क्या होता है, ये आपका पहला ही चैप्टर है। ये क्या है, आपका पहला ही चैप्टर है तुलनात्मक राजनीति का, कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है। ऐसी राजनीति जब राजनीति की तुलना दूसरे देश की राजनीति से की जाती है, अलग अलग विचारधाराओं से मिलाकर इसकी तुलना की जाती है, तो उसे हम कहते हैं राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन। अगर इसकी बात करें तो इसमें आगे का क्वेश्चन क्या है, कार्य क्षेत्र। तो आपको इसमें 10 नंबर में तो ये लिखना पड़ेगा तुलनात्मक अध्ययन का मतलब क्या होता है, और 10 नंबर में आपको बताने पड़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के कौन कौन से कार्य क्षेत्र होते हैं। मेरे भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा लीजिए आप स्टार, क्योंकि हर बार रिपीटेड ये क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा व्यवस्था विश्लेषण की विशेषताएं बताइए। व्यवस्था विश्लेषण, देखिए व्यवस्था विश्लेषण क्या होता है, ये एक उपागम है। ये क्या है, एक उपागम है किसका, राजनीति के अध्ययन का। राजनीति अध्ययन का क्या है, उपागम है। तो इसलिए कई और उपागम भी बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये उपागम इस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो आता है वो अगला क्वेश्चन आता है टिप्पणी का, है ना। संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, एक तो किस पे करनी है आपको, नव संस्थावाद। देखिए नव संस्थावाद थोड़ा आपके लिए टिपिकल टॉपिक हो जाएगा, तो ऐसे टॉपिक को पढ़ने की आप कोशिश करें जो टॉपिक कहीं ना कहीं एग्जाम में आसान आपके लिए रहे। जैसे केस स्टडी, केस स्टडी तुलनात्मक तुलना की एक विधि के रूप में केस स्टडी। केस स्टडी होता क्या है, जब हम किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, केंद्र में रखते हैं। जब किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं या फिर किसी एक मुद्दे को केंद्र में रखकर क्या करते हैं, उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी। क्या कहते हैं उसे, केस स्टडी। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया है, लोकतंत्र और पूंजीवाद एक दूसरे के लिए अंतर क्रिया स्पष्ट करते हैं कैसे। भाई सीधी सी बात है, अगर अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू देखें यूएसए का, तो यूएसए कहता है कि मेरे देश में उदारवादी लोकतंत्र है, उदारवादी लोकतंत्र। जब उदारवादी लोकतंत्र की बात आती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यही होता है, क्योंकि उदारवाद तो तब आएगा जब देश में कौन सी व्यवस्था हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो। तो अमेरिका ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था शुरू में जिसमें क्या था, लोकतंत्र प्लस पूंजीवाद दोनों का मिश्रण पाया जाता था। पूंजीवाद क्या होता है, जहां पर कुछ अमीर लोग क्या करते हैं, जहां पर कुछ अमीर लोग देश के संसाधनों पर कब्जा रखते हैं, देश के मुख्य आर्थिक फैसले अमीरों के द्वारा लिए जाते हैं, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंडर होता है, सरकार का कोई विशेष योगदान नहीं होता। और लोकतंत्र क्या होता है, जहां पर लोगों का शासन हो। तो जहां पर ये दोनों व्यवस्था पाई जाती है ऐसा देश का नाम मैंने आपको बता दिया अमेरिका, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र भी है, लोगों का शासन भी है। वहां पर होता क्या है, राष्ट्रपति चुना जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन देश को चलाने वाले हैं मुख्य पूंजीपति यानी बिजनेसमैन। याद रहेगी ये वाली बात, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित पर 200 शब्दों में आपको क्या करना है, फिर टिप्पणी करनी है। जैसे विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, कई सिद्धांत आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। जितने भी सिद्धांत है भाई उनकी एक लिस्ट बना लो, आप तरीका बताता हूँ पढ़ने का, जितने भी सिद्धांत है उनकी लिस्ट बना लो और करना कुछ नहीं है, हर सिद्धांत के 8-8 पॉइंट्स बना लो, हर सिद्धांत के 8 पॉइंट्स बना लो। और अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहे तो भाई रट लो, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है ना, जिंदगी में सब कुछ ऐसे नहीं मिलता, कुछ चीज़ें रट के भी करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं अति विकसित देश राज्य की अवधारणा। अति विकसित देश कौन से होते हैं, देखो देश मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, एक विकासशील जो भी विकास कर रहे हैं, एक अल्प विकसित जो विकास के मतलब लाइक विकास के शुरुआत में भी नहीं है, अल्प विकसित यानी गरीब देश, जैसे भूटान नेपाल को अल्प विकसित देश माना जाता है, भारत और चाइना जैसे देशों को विकासशील देश माना जाता है, अमेरिका रशिया ऐसे देशों को विकसित देश माना जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं आने वाले समय में जो विकसित ही नहीं बल्कि अति विकसित होंगे, यानी डेवलप्ड तो होंगे वो, डेवलप्ड के साथ साथ कैसे डेवलप्ड होंगे, बहुत ज्यादा डेवलप्ड होंगे, है ना, यानी लाइक हर चीज की वहां पर सुविधा होगी, ऐसे राज्य की अवधारणा को कहते हैं अति विकसित राज्य की अवधारणा।
अब आपसे पूछा क्या गया है इसमें, ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध कैसे होते हैं। ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका, जिन मेरे भाई को पता नहीं है बता देता हूँ, कार्यपालिका क्या होती है जो नियमों को लागू करती है, विधायिका क्या होती है जो कानून बनाने का कार्य करती है। और आपको पता है आपकी इस बुक का नाम है तुलनात्मक राजनीति, तो राजनीति की तुलना आप किससे की जा रही है, ब्रिटेन से की जा रही है। हमारे देश में तो आपको विधायिका का स्वरूप पता ही है कि हमारे देश की विधायिका को संसद कहते हैं, संसद के दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ब्रिटेन की कार्यपालिका और विधायिका अलग है। जैसे ब्रिटेन की कार्यपालिका के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं, विधायिका के बारे में बताऊं, तो वहां पर हाउसेस होते हैं, एक तो वहां पर होता है अपर हाउस, वहां पर क्या होता है एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है ना। और ये जो लोअर हाउस होता है इसको सीनेट कहते हैं, इस लोअर हाउस को क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से हर देश की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। ब्रिटेन के संसद को समझ लेना, कोई भी एक अच्छी सी क्लास ले लेना, है ना, यूट्यूब पर देख लेना और ब्रिटेन की संसद को समझ लेना, इतना इसमें काफी होगा। अगली अगर बात करें तो लैटिन अमेरिका में, क्योंकि देखो अभी हमने बात की थी किसकी, ब्रिटेन की, अब हम किससे तुलना करेंगे, लैटिन अमेरिका से। निर्भरता और अल्प विकसितता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए जो लैटिन अमेरिका है इसमें सबसे बड़ा देश है आपका ब्राजील, इसमें सबसे बड़ा देश क्या है, ब्राजील। और ब्राजील खुद एक क्या है, अभी एक विकासशील देशों में शामिल किया जाता है। कौन से देशों में शामिल किया जाता है, विकासशील। दूसरे देश की बात करें अगर लैटिन अमेरिका की तो वो है चिली देश। चिली देश की बात करें तो इसे अल्प विकसित देश माना जाता है। कैसा देश माना जाता है मेरे भाई, अल्प विकसित देश माना जाता है। अल्प विकसित देश वो देश होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या हो, गरीब हो। गरीब देशों को क्या कहते हैं हम, अल्प विकसित देश कहते हैं गरीब देशों को। तो ब्राजील में क्या है, गरीब देशों, बहुत ज्यादा गरीब देश है, और उन देशों की आपस में क्या होती है, निर्भरता होती है संसाधनों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्राजील के पास कुछ संसाधन नहीं है तो चिली से सहायता मांगकर अपना गुजारा चलाता है, और चिली के पास अगर कोई संसाधन नहीं है तो ब्राजील से सहायता मांगता है। ये सारे ही अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अगली बात, ब्राजील में संघवाद, संघवाद क्या होता है, संघवाद में बता देता हूं। जब हम सत्ता का बंटवारा कर देते हैं, जब सत्ता का बंटवारा होता है मेरे भाई, जब सत्ता का क्या होता है, बंटवारा होता है किसमें, एक तो केंद्र सरकार में, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनमें सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं संघवाद। कानून का शासन क्या होता है, कानून का शासन एक ऐसी व्यवस्था, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी व्यवस्था जहां पर कानून ही सबसे बड़ा हो, कानून सबसे बड़ा माना जाता है ना, सबसे बड़ा माना जाता है, ज्यादा नहीं लिखना आपको इसमें लिखना, सबसे बड़ा माना जाता है। जैसे भारत, अगर भारत के संविधान की बात करें, भारत के संविधान की बात करें तो संविधान ने कानून को सबसे ऊपर रखा है। यानी कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल देश का प्रधानमंत्री भारत में कुछ गलत करता है तो उसे भी वही सजा होगी जो एक आम नागरिक को उस अपराध के लिए होनी चाहिए। तो मतलब आप समझे, हमारे देश में कानून का शासन है, कानून ही सबसे बड़ा माना जाता है मेरे भाई। इतनी बात आपको याद रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपके लिए डिस्कस किया ये आपको याद रहेगा, आपको करना कुछ नहीं है। ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट कोड बताया ना, बीपीएससी 105, इसका पेपर आपका जो कल होना है 10 जून को होना है, इवनिंग शिफ्ट में होना है, शायद इवनिंग शिफ्ट में। आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने क्वेश्चन बताए इनको प्रैक्टिस करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार मेरे भाई।